गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस टूडे वी आर डूइंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासीफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वैसे तो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं बट हम फर्स्टली फंक्शन बेस पे इसको क्लासिफाइड करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ उसके काम के बेस पे कौन से कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ओल्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज सेकेंड इज कमर्स टूड लेक्चर इज ऑन इंडस्ट्री इंडस्ट्री जब भी हम इंडस्ट्री वर्ड को सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि इंडस्ट्री मीन्स जहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रही है फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज जहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है येस इट इज़ राइट इंडस्ट्री इज दैट वेयर द गुड्स वेयर द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इन टू फिनिश्ड गुड्स इंडस्ट्री लेट एस रीड मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रो मटीरियल इंटू यूज़फुल प्रोडक्ट तो इंडस्ट्री का मतलब है वो एक्टिविटी जहाँ पे रो मटीरियल को यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पेसिस तो so इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गुड्स से ही सिर्फ़ और सिर्फ रॉ मटेरियल से ही फिनिश्ड को नहीं बनाया जाता उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल स्पेसिस और अदर रियरिंग करते हैं स्पेसिस का तो उससे भी प्रोडक्शन की जाती है द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्री इज़ टू क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी पर्पस क्या है प्रोडक्शन का पर्पस क्या है उसकी यूटिलिटी मींस उसके यूजेस को बढ़ाना तो रो मटेरियल हमारे कुछ काम का नहीं होता तो हम क्या करते हैं उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो सके जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील है स्टील का एक पीस है तो वो स्टील हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है बट अगर हम उस स्टील के पीस को यूटेंसिल में कन्वर्ट कर देते हैं बर्तन बना देते हैं उसके तो उसके यूजेस क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री इज़ टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी तो सो हम कह सकते हैं कन्वर्जन का जो मेन मकसद है वो उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना है वाई विच रॉ मटीरियल इन टू यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स द टर्म इंडस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू रेफर ग्रुप ऑफ फॉर्म्स तो इसमें हम ग्रुप ऑफ फॉर्म्स को भी इंक्लूड करते हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो हम इन नेम से जब भी इसका नेम आता है टेक्सटाइल तो हम समझते हैं कि टेक्सटाइल मीन्स क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट इंडस्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो इंडस्ट्री में गुड्स दो तरह से हो सकती हैं कंज्यूमर गुड्स और सेकेंड कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने घर पे ला के पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ करते हैं हम खुद उसका इस्तेमाल करते हैं सेकेंड इज़ कैपिटल गुड कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स सच एज ब्रेड बटर क्लॉथ रेडियो आर कंज्यूमर गुड्स अब हमने ब्रेड बटर घर पे लाया और अपने लिए खुद पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ किया तो वो है कंज्यूमर गुड्स दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाई कंज्यूमर गुड्स सच एज मशीनरी सीमेंट आर कार्ल कैपिटल गुड्स दीज गुड्स आर फर्दर इंट्रोडक्शन अब फैक्ट्री में मशीनरी को लाया गया ताकि उससे वो फर्दर आगे प्रोडक्शन कर सके तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड जिसको घर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है टू मेक यूज़फुल प्रोडक्ट ताकि उससे आगे फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट बनाई जा सके नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज इंडस्ट्रीज़ को हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सॉरी थ्री कैटेगरीज फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज़ टेरेटरी प्राइमरी इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज थ्री टाइप्स की होती हैं फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेकेंड इज सेकेंडरी थर्ड इज टेरेटरी लेट इस डिस्कस प्राइमरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम नेचुरल स्पेसिस या फिर लिविंग वींग्स की हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए मिल्क जो है वो काउ से होता है तो काओ मीन्स लिविंग स्पेसिस तो उनको यूज़ करके जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है गुजरात में अमूल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दूध तो वहाँ पे क्या किया जाता है काउस को रियरिंग करके उनसे मिल्क की प्रोडक्शन मिल्क को पैकेट्स में बनाया जाता है तो वो है काउस के मतलब लिविंग स्पेसिस से की गई तो वो है प्राइमरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ सोर्सेज या तो वो सोर्सेज से की जाती है या फिर लिविंग स्पेसिस में एनिमल से द इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज अब इस तरह की इंडस्ट्री को हम फर्दर टू में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव एंड थर्ड सेकेंड इज जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव एक्सट्रैक्टिव मीन्स एक्सट्रैक्शन करना तो किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे नेचुरल रिसोर्स को जैसे धरती से मिलरल निकालना फिश फ्रॉम रिवर्स धर रिवर से मछली को निकालना टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट लकड़ी लेना जंगलों से तो जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्स से कुछ ना कुछ निकालते हैं तो वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और उनको एज अ रो मटीरियल यूज़ करते हैं जैसे हमने फॉरेस्ट से लकड़ी ली और उसको प्रोडक्शन पर्पज़ में लेके आई तो वो है एक्सट्रक्टिव इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम रियरिंग और ब्रीडिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो मैंने पहले ही बताया जैसे काउ से मिल्क क्रिएट मिल्क रियरिंग करके उससे मिल्क बनाना डायरी फॉर्म्स हो गए पोल्ट्री फॉर्म्स हो गए तो ये है जेनेटिक इंडस्ट्री जिसके अंदर हम लिविंग स्पेसिस का यूज करते हैं ये है प्राइमरी नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूज बाई प्राइमरी इंडस्ट्री अब जो गुड्स वहाँ पे बनाई गई प्राइमरी इंडस्ट्री में अब हम उनको यूज करके फर्दर उसको फाइनल गुड में रेडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन इन प्राइमरी इंडस्ट्री अब हमने आयरन को निकाला ओर में से तो वो तो थी प्राइमरी एक्टिविटी के धरती से हमने आयरन को निकाला और बट स्टील मैनुफैक्चरिंग अब उस आयरन से हमने क्या मैन्युफैक्चर किया स्टील मैन्युफैक्चर किया तो ये है सेकेंडरी मींस सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री तो ये आगे रजे फर्दर टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फर्स्ट वन इज तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कन्वर्शन करना किसका रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना नेक्स्ट एक द मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गुड्स टू टाइप ऑफ गुड हम मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर गुड एंड सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियल गुड कंज्यूमर गुड जो हमारी कंजम्पशन हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होती है जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर ही यूज़ करता है इंडस्ट्रियल गुड्स मैंने पहले ही बताया जिनको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है फर द फर्दर प्रोडक्शन नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर आल्सो फॉलोइंग टाइप्स अब इंडस्ट्रीज की अलग टाइप्स होते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबली इंडस्ट्रीज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज जिसमें हम रॉ मटेरियल को ब्रोक करके आगे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्रीड ऑयल इज़ प्रोसेसड एंड मैनी फिनिश्ड गुड्स सर्च एज पेट्रोलियम डीजल क्रूड ऑयल उसको क्या किया हमने प्रोसेस किया और उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को रेडी किया जैसे पेट्रोलियम डीजल कैरोसिन गैसलिन एटसेट्रा सेकेंड इज सिंथेटिक सिंथेटिक वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम कुछ कई टाइप्स के रॉ मटेरियल को मिक्स करके बनाते हैं वो होती है सिंथेटिक जैसे डिफरेंट केमिकल्स को मिला के हम सोप रेडी करते हैं पेंट रेडी करते हैं कॉस्मेटिक का सामान रेडी करते हैं तो ये है सिंथेटिक इंडस्ट्री जिसमें रो मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है थर्ड वन इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोसेसिंग नेम से ही क्लियर है जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है जैसे आयरन एंड स्टील शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ये होती है प्रोसेसिंग फोर्थ इज़ असेंबली असेंबली मीन्स असेंबल करना ज्वाइन करना कंबाइन करना तो इसमें हम कंबाइन करते हैं फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स आर कम्बाइंड एंड फाइनल गुड्स आर प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्पल मैनुफेक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविज़न ऑटोमोबाइल्स तो इसमें क्या होता है जो फिनिश्ड पार्ट थे उनको हमने कंबाइन किया और उनको कंबाइन करके हम कंप्यूटर और टेलीविज़न रेडी करते हैं नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज दीज इंडस्ट्रीज़ आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम रोड वो इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करती हैं जैसे कंस्ट्रक्श किस को करते हैं बिल्डिंग्स को डैम्स को और रोड्स को दीज इंडस्ट्रीज़ यूज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऊपर वाली कैटेगरी में जो हमने गुड्स मैनुफैक्चर किए हैं उनको यूज़ करके हम फर्दर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे सीमेंट बनाया तो उसको हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं थर्ड टाइप है टेरिटरी इंडस्ट्री टेरिटरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज अब यहाँ पे कोई फिनिश्ड गुड नहीं है कोई रॉ मटेरियल नहीं है कुछ भी कन्वर्जन नहीं होता सिंपली हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइड करना क्या है टेरिटरी इंडस्ट्री है यहाँ पे कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो वो होती है टेरिटरी इंडस्ट्री विच फैसिलेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स दिस इंडस्ट्री हेल्प इन द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में हेल्पफुल है फॉर एग्जाम्पल जो फिनिश गुड्स रेडी होगी ठीक है उनको अब हमने एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुँचाना है तो वो उसके लिए कौन हेल्पफुल है ट्रांसपोर्ट एयरवेज हो गए ठीक है रोडवेज हो गए वाटरवेज हो गए तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं फिनिश गुड्स को एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाते हैं तो वो जो ट्रांसपोर्ट है वो जो सर्विस प्रोवाइड करे वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड करिए तो वो है रजे टेरिटरी इंडस्ट्री जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो इनमें हेल्पफुल हैं फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सर्विस हो गई बैंकिंग की सर्विसेज हो गई इंश्योरेंस की हो गई वेयर हाउसिंग की होगी और एडवर्टाइजिंग की होगी ओके okay, तो ये है टेरिटरी इंडस्ट्री तो आज आपने ये इंडस्ट्री टॉपिक अच्छे से लर्न करना है इंडस्ट्रीज थ्री टाइप्स की होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री प्राइमरी जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स और लिविंग स्पेसिस को यूज़ करते हैं सेकेंडरी में हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में रेडी करते हैं और टेरिटरी में कोई गुड कन्वर्जन नहीं होती हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये थ्री टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं आज आपने ये इंडस्ट्री टॉपिक अच्छे से राइट और लर्न करना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स